हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस सेम्स। वेलकम टू बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में बायोलॉजी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, किस साल का, तो वो 2021 का था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या देखेंगे आज हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ये रहा दोस्तों हमारे सामने बायोलॉजी 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है पायरीमाइडिन्स प्रेजेंट इन आरएनएआर, मतलब आरएनए में जो पायरीमाइडिन्स प्रेजेंट है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन का, वन का सी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो किसके लिए यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मतलब टाइफाइड के लिए, ठीक है, सी नंबर टाइफाइड के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इस सब में से कौन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चौथा है कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। इसमें सिर्फ टाइगर दिया हुआ है तो टाइगर में आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन, इसमें से कौन सा करेक्ट फूड चेन है। पहला ऑप्शन है ग्रास व्हीट एंड मैंगो, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है गोट काउ एंड ग्रास, तीसरा है ग्रास गोट एंड लायन, चौथा क्या है डी नंबर मीन्स ग्रास फिश एंड गोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास गोट एंड लायन, ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब है छठा क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियोसाइड इज ए, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एक क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है शुगर प्लस ए नाइट्रोजीनियस बेस, क्या 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 है ये, शुगर प्लस ए नाइट्रोजीनियस बेस न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। वह सेवन नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट इज कॉल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, गेमेटोजिनेसिस, गेमेटोजिनेसिस। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन, आठवां नंबर क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम आर, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम इसमें से क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, मतलब इंडोन्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, इंडोन्यूक्लियस। अब देखिए नौ नंबर क्वेश्चन, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, नेशनल पार्क में किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरा एंड फौना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बोथ ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्वी बोर्स। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पास्चराइजेशन इज हीटिंग ऑफ, पास्चराइजेशन में किस चीज़ को हीट किया जाता है, तो मिल्क को, सिर्फ मिल्क को किया जाता है। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज, पोलन ग्रेन्स का जो वॉल होता है वो क्या होता है, डबल रेल, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए टी लाइमोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, टी लाइमोसाइट्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ये हो जाएगा बोन मैरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सोर्स ऑफ इको आर आई इंजाइम इज, इको आर आई इंजाइम का सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इकोली, क्या हो जाएगा, इकोली। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों यहां से कट गया था, एक मिनट मैं फिर से यहां से कर देता हूं, 10 से, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा हार्वी बोर्स से, ठीक है। पास्चराइजेशन इज हीटिंग ऑफ, पास्चराइजेशन किसका हीटिंग है, तो ये मिल्क का, ठीक है, मिल्क को करते हैं। और द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज डबल लेयर्ड, वॉल ऑफ पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, डबल लेयर्ड। टी लाइमोफाइट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो बोन मैरो, सोर्स ऑफ इको आर आई इंजाइम इज इकोली, ठीक है, इकोली हो जाएगा।
अब है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, मतलब इसमें से किस फ्रूट को, फ्रूट का एरिल भी खाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीची। और देखिए, इंडिकेटर ऑफ एसओ टू पोल्यूशन इज, एसओ टू पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, ऑप्शन क्या क्या है हमारा, एल्गी, लिचेन, फंगी, ऑल ऑफ दिस, तो इसका हो जाएगा लिचेन। अब 17 नंबर क्वेश्चन, हनी इज मेड बाय, हनी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वर्कर हनी बी के द्वारा हनी बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, विच डिजीज इज फाउंड इन हैन, हैन में कौन सा डिजीज पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रनी खेत डिजीज। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या है, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय यूज ऑफ विच माइक्रोव्स, मतलब इडली और डोसा का जो आटा है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस नहीं, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट हो जाएगा। अब देखिए, 20 नंबर, एगरोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगरोज कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कहाँ से इसे पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वीड्स, ठीक है, सी वीड्स हो जाएगा। अब देखिए, ओपेरन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ओपेरन मॉडल किसके द्वारा प्रपोज किया गया, मतलब किसके द्वारा दिया गया, तो ये हो जाएगा जेकोब एंड मोनाल्ड, जेकोब एंड मोनेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉट ए वायरल डिजीज, तो ये इसमें से कौन सा एक वायरल डिजीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डायफ्टेरिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डायफ्टेरिया। अब क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री, ये सब में से एनिमल, ये चारों जो ऑप्शन है हमारे सामने, इन सब में से एनिमल हस्बेंड्री में कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24, हु एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी, ये जो हमारे सामने क्या दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, लुइस पास्टर, और दूसरा क्या है, जेडी वाटसन, तीसरा क्या है, स्टेफन हेल्स, चौथा क्या है दोस्तों, तो यह है रॉबर्ट कोच, तो इसका आंसर हो जाएगा जेडी वाटसन, ठीक है, जेडी वाटसन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, 25 नंबर क्या है, 25 नंबर, एंटीकोडोन्स आर फाउंड इन, एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, टीआरएनए, ठीक है। और 26 नंबर देखते हैं, मेंडल प्रपोज, मेंडल इसमें से किस चीज़ को प्रपोज किया, किस चीज़ को बताया, तो यह हो जाएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, ये सब में से कौन फैक्टर जो है, जो न्यू स्पेसीज को फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, मेंसुरल साइकिल ओकर इन, मेंसुरल साइकिल इसमें से किस सब में होता है, तो ऑल ऑफ दिस, ह्यूमन, मंकी, चिंपेंजी, सभी में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी फ्यूजन ओकर्स इन, तो बाइनरी फ्यूजन ये सब में से किस में होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होगा बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएगा, सी नंबर, इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडीनिन विल बी, तो ये हो जाएगा 32%, एडीनिन का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 32%। वाइडल टेस्ट इज डन टू कन्फर्म, वाइडल टेस्ट किस लिए किया जाता है, किसका पता करने के लिए, तो ये टाइफाइड का पता करने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 23 नहीं, 33, एच आई वी अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, एच आई वी जो है किस सेल पर अटैक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी हेल्पर सेल, ये टी हेल्पर सेल पर अटैक करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका ये क्या है, द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर, वैसा सब्सटेंस जो कि इम्यून के द्वारा रिस्पॉन्स किया जाता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एंटीजेंस, डी नंबर आंसर। 35 नंबर, केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज, एलर्जी के दौरान कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब हिस्टेमाइन और सीरोटिनिन, सीरोटिनिन भी दोनों केमिकल जो रिलीज होगा। अब है दोस्तों, आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर
क्या है 36? बायोगैस कंटेंट्स, बायोगैस क्या क्या कंटेंट करता है, तो ये CO2, H2, CH4, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये जो है ऑल ऑफ दीज सारा कंटेन करता है, CO2, H2, CH4 ये सारा कंटेन करता है। इन विच स्टेट डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसमें से किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, इसमें से किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो यह हो जाएगा पेचिटिन। पेचिटिन एक ऐसा स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। अब देखिए PCR इज यूज टू, PCR किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिटेक्ट कैंसर, मतलब कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए PCR का यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एवरी लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स कैन राइज कैन गिव राइज टू द होल प्लांट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ये जो एक सेल होता है प्लांट का वो क्या करते हैं, एक पूरे प्लांट को तैयार करते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन के द्वारा, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे दोस्तों ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब क्लोनिंग भी कहलाएगा, सोमैक्लोनन भी कहलाएगा, उसके बाद टोटी पोटेंसी भी कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 40, इसमें क्या है, व्हाट इज द पोलाइडी लेवल्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन इंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो इसका हो जाएगा 3N, ठीक है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्मड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड, मतलब जब ऑफस्प्रिंग को सिंगल पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमेंस, ह्यूमेंस में कितने नंबर क्रोमोजोम्स के होते हैं, तो ये 44 होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इचिडिना इज ए इचिडना सॉरी इचिडना क्या है, इचिडना एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, इचिडना क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, डोडो इज एग्जिस्ट सॉरी एक्सटिंक्ट स्पेसीज, डोडो क्या है, एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा है जो स्ट्रक्चर जो डायप्लॉयड है, पहला है ओवम इंडोस्पर्म जायगोट ऑल ऑफ दीज, इसमें से कौन होगा डायप्लॉयड, तो ये हो जाएगा दोस्तों जायगोट, ठीक है। कहाँ तक हो गया, अब देखिए 46 नंबर, विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, इसमें से कौन है जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मतलब ट्राइपा। अब देखिए 47, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो यह हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन बींग्स मेक्स इज, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ह्यूमन बींग्स में क्या बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 44 प्लस XY, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राइनो सेंचुरी किस स्टेट में है, तो असम। व्हाट डज ओपेरन मॉडल रिप्रेजेंट, ओपेरन मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी बी नहीं होगा सी हो जाएगा, जीन रेगुलेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन रेगुलेशन, सी नंबर 50 का सी। अब देखिए 51 नंबर, थेलमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, थेलमस जो है ये सब में से किसका एडिबल पार्ट है ये सब फ्रूट्स में, तो ये हो जाएगा एप्पल। अब डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। अब देखिए 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो इसका हो जाएगा बेसिलस थ्यूरिंगियसिस, ठीक है, बेसिलस थ्यूरिंगियसिस। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, तो यह हो जाएगा वाटर के द्वारा। बायो रिएक्टर्स इन ऑप्टिमल कंडीशन प्रोड्यूस, ऑप्टिमल कंडीशन में जो बायो रिएक्टर्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब है 57 नंबर क्वेश्चन, विच ऑन फॉर्म्स इंडोस्पर्म्स आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गेमेट्स, ये सब में से कौन है जो मेल गेमेट्स के साथ फ्यूजन करके इंडोस्पर्म्स बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीपोडल, सॉरी दोस्तों सॉरी एंटीपोडल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस।
अब देखिए, वन जीन पेयर्स हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन्स दिस फेनोमेना इज, मतलब एक जीन जो है दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या करता है, छिपा देता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे दोस्तों डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस कहेंगे। और देखिए, ए सिक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस ऑफ टी आर एन ए विच बाइंड्स टू एम आर एन ए कोडोन्स इज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस सिक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें से क्या होता है तीन बेस, तीन जो है टी आर एन ए वो किससे बाइंड होता है, एम आर एन ए से, तो इसे हम लोग दोस्तों कहेंगे ट्रिपलेट, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 60, द ग्रुप ऑफ विचरेरिया बेनक्रॉफ्टी विच काउजेज फिलारिया इन ह्यूमन्स बींग्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा डी, हेलमिंथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, मतलब इसमें एक्सेसिव मतलब हम लोग ज़्यादा एल्कोहल का अगर सेवन करने लगे तो इसमें से हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ इज, मेंडल लॉ का क्या एक्सेप्शन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज, ठीक है, सी नंबर। 63 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइफिलिस, क्या आ जाएगा, साइफिलिस। अब देखिए 64, 64 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब जो कीड़े मकोड़े को खाते हैं वैसा प्लांट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, मतलब ड्रोसेरा और क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नेप्थिलीज, नेप्थिलीज और ड्रोसेरा दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब है हमारा 65 नंबर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें से कौन जो है हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थवार्म, ठीक है। अब है 66 नंबर, कोलेरा इज ए टाइप ऑफ, कोलेरा ये किस टाइप का है, कोलेरा किस टाइप में आता है, तो ये हो जाएगा एलगी, ठीक है। देखिए क्राइजिन प्रिवेंट्स विच क्रॉप्स फ्रॉम बोलवर्म्स, क्राइजिन जो है बोलवर्म, बोलवर्म से किसे बचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, ठीक है। अब देखिए प्यूराइन बेसिस ऑफ डीएनए आर, डीएनए का जो प्यूराइन बेसिस है वो किससे बना होता है, तो इसका हो जाएगा एडिनिन और ग्वेनिन, एडिनिन और ग्वेनिन, सी, सी नंबर। अब 69 नंबर क्या है, कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके द्वारा कॉज्ड होता है, तो ये हो जाएगा ओन्कोजीन के द्वारा, ठीक है, ओन्कोजीन के द्वारा कैंसर होता है दोस्तों। अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सब में से कौन जो है माइक्रो प्रोपेगेशन में पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये सेक्शन बी जो है ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, पिछला लेक्चर जो है उसमें हम लोग शॉर्ट लॉन्ग पूरा कर लिए, ये देखिए यहाँ से 20 तक शॉर्ट है, 1 से लेकर 20 तक शॉर्ट है, उसके बाद देखिए 21 से लेकर 26 तक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम लोग ने पूरा कर लिया, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, बायोलॉजी का 2020 का पहले लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा जो है हम लोग पिछला सारा क्वेश्चन का कंप्लीट कर ले, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। We'll be right back.